चलिए हमारे साथ इस वक्त शैला रशीद है, जो कि अब सबको पता है कि शी इज अ नोन फिगर एंड शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट शी हैज spent major part of her life outside the state, but no, I haven't. because people of Kashmir just want to know about you. Please tell us about yourself. नहीं नहीं, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ. मैं जो है मैं 2011 तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी यहीं से की है. मैंने अपनी स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ यहीं से किया है और मैं सिर्फ जो है पिछले 4 साल से JNU में हूँ. पिछले 4 साल में मैंने MA और MPhil JNU से किया है एंड दैट इज़ वाई आई एम इन JNU. बाकी और कोई रीज़न नहीं है. बाकी मैं दिल्ली में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए हूँ और अभी मैं यहाँ पे अपने कॉलीग्स के साथ में आई हूँ जो JNU से ही हैं, जो फॉर्मर स्टूडेंट यूनियन लीडर्स हैं और जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है. काफ़ी ब्रेवली जो है BJP गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी है, वो मेरे साथ हैं यहाँ पे और हम लोग जो है यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं. कोई सेट एजेंडा नहीं है. अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि PDP सिंपथाइज़र है वो बोल रहे हैं ये तो NC स्टूज है. जो NC सिंपथाइज़र है वो बोल रहे हैं अरे ये तो PDP स्टूज है. तो इस तरह का, लेकिन मैं मतलब मुझे बताया व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट हियर. देयर इज नो पर्पस, यू नो दिस इज माय होम टाउन. आई डोंट हैव टू हैव एन एजेंडा टू कम हियर. सो देयर इज रियली नो एजेंडा एंड आई एम जस्ट हियर ट्राइंग टू लर्न एंड ट्राइंग टू लिसन एंड ट्राइंग टू हियर व्हाट प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग. दैट्स ऑल. यू हैव कम अप जस्ट अ स्टेटमेंट अबाउट दिस हुरियत लीडरशिप. That they give they forward strike calls and then they don't come on roads. Could you please elaborate? That statement, I will not comment on that. I would rather target the BJP. People just want to know about you just because of that statement. You have become a controversial figure from yesterday here. See, that's a statement I have made in response to a question yesterday. I don't need to dwell upon that. Okay, I mean I'm not here to sort of feed into controversies. मैं यहाँ पे controversy करने के लिए नहीं हूँ. मुझे अगर क्वेश्चन पूछना होगा मैं PDP BJP गवर्नमेंट से पूछूंगी कि वो लोग जिस तरह से मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों ने सभी यूथ को जो है एलिमिनेट कर दिया है, पोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, आसिफा के रेपिस्ट और मर्डरर के लिए रैली हो रही है, इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा है. हाँ, ये सबका साथ सबका विकास और ये सब कुछ हीलिंग टच की बात करते हैं, इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा है. एज ए कश्मीरी आप क्या चाहती हो? आप एक रोल प्ले करना चाहती हो? Kashmir politics. I think everyone should be able to play a role. I mean, not just as a leader, as a common. आप देखिए क्या होता है, कई सारे नहीं नहीं मैं वो mainstream सारे, I'm not talking about mainstream politics. I'm also not talking about mainstream politics. मैं आपको एक और example दे रही हूँ. क्या होता है दिल्ली में या किसी और जगह पे अगर दंगा होता है, हम लोग एज कॉमन स्टूडेंट्स, हाँ हम लोग कोई, हम लोगों के पास में कोई पावर पोजिशन नहीं है, एज कॉमन स्टूडेंट्स हम लोग दंगा रुकवाने के लिए जाते हैं. लेकिन कश्मीर के पॉलिटिक्स में, मतलब कश्मीर का पॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम लोग मीनिंगफुली इंटरवीन नहीं कर पाते हैं. उसकी वजह भी है, हाँ, क्योंकि या तो आपको मेनस्ट्रीम कैंप का हिस्सा बनना है या तो आपको सेपरेटिस्ट कैंप का हिस्सा बनना है, तभी जाके जो है आप कुछ कर सकते हैं. लेकिन एज कॉमन सिटीजन आपका रोल होना चाहिए. आपका रोल होना चाहिए, मेरा रोल होना चाहिए, इनका रोल होना चाहिए. एक और क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मतलब ये यूजुअली कहा जाता है कि सेपरेटिस्ट आर ऑलवेज दे गिव दे फॉरवर्ड स्ट्राइक ऑल, उससे क्या होता है इकोनॉमिक सपोर्ट. ठीक है, गिलानी साहब ने बार बार कहा है कि लोगों को कहा है कि अगर आपके पास कोई और स्ट्रेटजी है प्लीज कम फॉरवर्ड. तो अगर आप चाहोगे, मतलब आप कौन सी सजेशन देना चाहोगे गिलानी साहब? मैं गिलानी साहब को कोई सजेशन नहीं देना चाहूंगी क्योंकि गिलानी साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है. It is for the separatist leadership to decide what they want to do, and I have nothing to. But they have already decided what they want to do. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. Fair enough. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. नहीं, देखिए आप इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लो मत कीजिए. मैंने जो है इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अपने कुछ व्यूज फॉरवर्ड रखे और मैंने जो कहा वो सबके लिए है. अब उसकी पाल की पाल उतारने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है. मैंने आई एम नॉट आई कॉन्ट कम हियर फ्रॉम डेली वन फाइन डे एंड देन स्टार्ट लेक्चरिंग एवरीवन. Of course, I will ask questions to the government. I'm repeatedly saying, अगर किसी से questions पूछने चाहिए वो government से पूछने चाहिए, है ना? कि अभी तो आप power में नहीं है, है ना? आप chief minister नहीं है, आप chief minister नहीं है, आप ये chief minister नहीं है, तो मैं chief minister से questions पूछूंगी. तो आप बाहर भी जाती हैं, मतलब डिबेट्स में हिस्सा लेती हैं, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, बहुत सारा अच्छा लगता है. हर किसी को यहाँ पे अच्छा लगता है क्योंकि यूट्यूब पे आपके वीडियोस हैं. आप मतलब खुल के फ्रेंकली इस बात करती है. आप मतलब वहाँ पे मतलब उन फोरम्स में मतलब आप कश्मीर को हाईलाइट करना चाहोगी क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि देयर आर एस्पिरेशंस, देयर आर सेंटीमेंट्स, पीपल जस्ट वांट दैट दिस कश्मीर इशू शुड गेट रिजॉल्व. लेकिन ऐसा नहीं है, देयर इज नेगेटिव अप्रोच ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो दैट्स व्हाई पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड. तो मैं आपसे मतलब जस्ट पीपल ऑफ कश्मीर जस्ट वांट दैट यू शुड प्ले अ पार्ट.
Would you like to play a part on those forums? On the देखिए दो बातें, एक तो मैं हमेशा हर फोरम पे जो है मैं कश्मीर के बारे में बात करती हूँ. अब ये कि मैं सेंसेशनलिस्ट स्टेटमेंट नहीं देती हूँ, सनसनीखेज स्टेटमेंट नहीं देती हूँ, तो वो रिपब्लिक टाइम्स ना ब्रांड ऑफ चैनल्स के लिए उनको जो है उसमें कुछ दिखता नहीं है बोलने के लिए. हाँ, तो इसलिए उसको हाईलाइट नहीं करते हैं. हम लोग दिन में 10 भाषण देते हैं. हाँ, वो जो है जब उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है तो वो कुछ कंट्रोवर्शियल निकालते हैं. मुझे लगता है कश्मीर के बारे में बात करने के लिए सबसे पहली बात जो करनी पड़ेगी, आपको नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन सेंसेशनलिस्ट एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा. ये जो सनसनीखेज एनवायरनमेंट होता है उसमें कश्मीर पर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम, जस्ट बिकॉज द पॉलिटिकल स्पेस ऑफ दी सेपरेट स्टेट्स इज श्रिंकिंग, गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम एनी रूम सो दैट दे कैन फ्रीली, दे कैन मूव फ्रीली अदर पार्ट ऑफ स्टेट और किसी भी जगह में. आपको लगता है मतलब वेदर यू वांट टू गिव अ मैसेज टू स्टेट गवर्नमेंट दैट एटलीस्ट गिव अ फ्री हैंड टू दीज सेपरेशन लीडर्स सो दैट दे कैन इंटरेक्ट फ्रीली विद द पीपल ऑफ कश्मीर, सो समथिंग पॉजिटिव विल कम अप. बट ऐसा नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड, मतलब कुछ देयर इज नेगेटिविटी, तो इस बारे में व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नो, आई एब्सोल्युटली थिंक इन दिस, इन द स्पेस ऑफ आइडियाज एवरीवन शुड बी अलाउड टू टॉक. बात करने से जो है कोई मर नहीं जाता है. yes. मतलब अनलेस आप बोलें कि जैसे मुसलमानों को मार देना चाहिए या औरतों को जो है मार देना चाहिए, इस तरह की स्पीच अलाउड नहीं होनी चाहिए. लेकिन बाकी जो आइडियाज का जो डिबेट है, आइडियाज का डिबेट एकदम होना चाहिए. और उसमें क्या होगा ना, उसमें सब लोगों से क्वेश्चन पूछ सकेंगे. अगर एक फोरम पे जो है गिलानी साहब, महबूबा जी, फारूक साहब, अब सारे लोग अगर बैठे हैं किसी एक पैनल पे, वहां पे वो एक दूसरे से सवाल पूछे लोगों के, ये तो ज्यादा ये ट्रांसपेरेंसी के हक में है कि सबको जो है स्पेस मिलना चाहिए. और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में, मतलब स्पेशली मैं यूनिवर्सिटी की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए दुनिया भर में मैंने, मैं नहीं कह रही हूँ मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन मैंने काफी सारी जगहों पे देखा कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो लीडरशिप प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेंट प्रोवाइड करती है. अभी ये जो ओबामा जी हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से थे, वहाँ पे वो ऑफिस बेयरर भी थे, जो है वो किसी स्टूडेंट बॉडी में भी थे. ये जो हिलरी क्लिंटन है ये येल लॉ स्कूल से पढ़ी है. हाँ, यूनिवर्सिटी के जो हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपनी बात रखने का स्पेस नहीं मिलता. मैं चाहती हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट में से कोई जो है कोई नॉन डायनास्ट, मतलब जो किसी डायनास्ट का बेटा नहीं है, जो किसी डायनास्ट की बेटी नहीं है, कश्मीर यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट से निकल के आए नया नेता, वो चाहे फिर सेपरेटिस्ट नेता हो, वो चाहे फिर चीफ मिनिस्टर हो, जो भी हो, लेकिन आइडियाज को तो आप पनपने दीजिए. वहाँ पे तो यूनियन भी नहीं है ना, वहाँ पे अलाउड नहीं है. एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम स्टूडेंट यूनियन अलाउड होना चाहिए और यहाँ की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टैंड लेना चाहिए उस पर यूनियन.